मॉर्चरी भी दिखा सकते हैं। इधर को दिखवाया था क्या पीछे साइड में? क्या तो इसको उसे कपड़े कपड़े सिलवाए हुए लड़के के अपने आप कर ले, ये अपने आप कर देगा, टेंशन ना। बहुत बढ़िया चीज है, मैं भी नहीं करता ना कभी। ओ भाई कम हो जाएगा, आप जाओ इधर अपने देना दो काम दो यहां पे ना, आपको ना अपडेट करना पड़ेगा। इसका क्यों वाला जो सिस्टम है, इसका टाइप कर लो क्या आपको मान, आप बोर्ड खड़ा हो जाओ, आठ लोगों से पानी दौड़ के मार मार के बने। मेरा नाम विष्णु है सर, मेरा भाई 6 तारीख से 9:30 बजे से लापता हो गया था। हमने चौकी में जब रिपोर्ट लिखवाई तो बोलते हैं अभी नहीं लिखी जाएगी, 24 घंटे बाद लिखी जाएगी। उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखवाई तो फिर बोलते हैं कि कल इसका फ़ोन का डिटेल निकलवाएंगे, फिर मुजरिम को पकड़ेंगे। फिर इन्होंने कॉल डिटेल लिखवाई, फिर उसको नदीम है जो उसको उठाया, उठाने के बाद उसे थोड़ा बहुत पूछे, उसके बाद उसको दोबारा छोड़ दिया और कहते कि हम जब तक ठोस साबूत नहीं मिलेगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यही बात इन्होंने कह के मेरे को इतने दिनों से टाल रखा था। उसके बाद इन्होंने आज पता नहीं कैसे इनको पता लगा कि वहाँ बॉडी है, इन्होंने खुद ही जाके वहाँ इंक्वायरी किया तो वहाँ पे मेरे भाई का बॉडी निकला जी। जूते बीच में 12 तारीख को जूता निकला था जी, और इन्होंने कुत्ते लेके आए थे, जो कुत्ता सूंघता हुआ जमुना पे गया था, लेकिन जमुना पे ऐसी कोई घटना थी नहीं सर। जूता भी हमने ढूंढा था, जूता भी हमने ही ढूंढा था सर। वहीं से यार, वहीं फिर एक आदमी नहीं है ज़्यादा, इसमें एक आदमी नहीं है सर, इसमें और भी आदमी है। हमें पुलिस से यही कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि और भी जितने आदमी हैं उनको पकड़ा जाए, एक बंदे का ये काम नहीं है सर। एक डेड बॉडी मिली, क्या मामला? जी हाँ, देखिए हमारे पास जग्गू चौरसिया नामक व्यक्ति ने अपने लड़के की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, उसी पे हमने 346 IPC के तहत केस दर्ज करके उसकी छानबीन में लगे हुए थे। लड़के की कॉल डिटेल CDR वगैरह से छानबीन करते हुए और आज ही उसकी तलाश करते हुए आज हमें उस लड़के की डेड बॉडी गढ़ी रोड पे एक भगत फैब्रिकेशन की फैक्ट्री के साथ झाड़ियों के बीच से मिली है। हमने सीन ऑफ क्राइम टीम से मुआयना करवा लिया है और उसकी डेड बॉडी को आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल लेके आए हैं। 302 IPC का केस दर्ज करके बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई जारी है। प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि उस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या की गई है, इसलिए हम उसमें आगे 302 IPC के तहत केस दर्ज कर रहे हैं। आरोपी सर कब तक गिरफ्तार हो गए? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम किया जाएगा। सर जैसे मिसिंग था तो क्या क्या कार्रवाई रही? मिसिंग के हमने तुरंत केस दर्ज करने के बाद उसकी हमने CRO की मदद से उसकी फ़ोटो और सभी जगह थानों में भेजी हुई थी, न्यूज़पेपर में भी उसकी हम डेली निकलवा रहे थे, उसकी मिसिंग के बारे में फ़ोटो और उसकी लगी हुई थी, और उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पे ही बार बार जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली इसकी मोबाइल की लोकेशन भी वहीं आके बंद हो रखी थी, तो इसलिए वहीं पर गहनता सर्च की गई। के लिए की भी मदद जी, उनकी भी मदद ली गई है जी, और वहाँ से उनकी मदद लेकर के हमने आज भी जहाँ पे मोबाइल की लास्ट लोकेशन थी वहीं से ही उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है जी।